हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ बेबी फूड में मखाने की खीर। मखाना बेबीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो इसके लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें हमने एक चम्मच घी डाला है और हम इस घी में मखाने को तलेंगे। तो हमने यहाँ पे कटोरी मखाने लिए हैं, छोटी सी कटोरी से मखाने लिए हैं और इसको हमें अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। और फ्रेंड्स, जो मखाना है वो बेबीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, फॉलेट और आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ओमेगा 3, ओमेगा 6, मतलब बहुत सारे इसमें न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि आपके बेबीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये आपको बेबीज़ को एक लिमिट में ही देना है, आपको एकदम ज़्यादा नहीं देना है। कोई भी चीज़ बेबी के लिए एकदम ज़्यादा देना भी अच्छा नहीं होता। तो हमारे जो मखाने हैं रोस्ट हो चुके हैं और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद अब हम इस जो कढ़ाई है उसमें हम इसमें 2 कप दूध डाल देंगे। यहाँ पर हमने काऊ मिल्क लिया है, तो यहाँ पे आप दूध डाल देंगे। और ये जो अभी हम बना रहे हैं ये हम 12th month बेबी के लिए बना रहे हैं। अगर आपका बेबी इससे छोटा है तो हम उस हिसाब से आपको बता देंगे। तो हमें जो मखाने हैं आप देख सकते हैं अच्छी तरह से क्रश होने लगे हैं और अब हम इनको इस तरह से क्रश कर लेंगे। आप हाथ से भी इसे इस तरह से क्रश कर सकते हैं। तोड़ के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम इस तरह का छोटा सा खल लेंगे और कूटने वाला, और उसमें हम ये सारे मखाने डाल देंगे और इस तरह से हम इसको कूट लेंगे जिससे ये दरदरे हो जाएंगे। आप अगर 6 month से 12 month की बेबी के लिए बना रहे हैं, 8th month के लिए बेबी के लिए बना रहे हैं, तो आप इसको ग्राइंडर जार में भी अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 12 month के लिए बेबी के लिए बना रही हूँ, तो मैं इस तरह से क्रश कर लूँगी इसको, क्योंकि 12 month की बेबी इस तरह का फूड आराम से खा लेते हैं। अगर आप इससे छोटे मंथ की बेबी के लिए बना रही हैं तो आप इसे ग्राइंड कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से क्रश हो चुके हैं और ये थोड़े बहुत बचे हैं, इसको हम इस तरह से तोड़ लेते हैं। और हमारा जो है दूध भी हो चुका है, देख सकते हैं हमारा दूध हो चुका है। अब दूध हमारा अच्छी तरह से हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे। यहाँ पे हमने थोड़ी सी आधा चम्मच ही शक्कर ली है। और अगर आप 12 month से कम बेबी के लिए बना रहे हैं तो आप गुड़ का या फिर आप नट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम ये सारे मखाने डाल देंगे जो क्रश किए हुए हैं। आपको 6 से 12 month के बेबी को शक्कर नहीं देनी है। अगर आप देना भी चाहते हैं तो बिल्कुल मामूली सी ही शक्कर देनी है, बट अगर आप ना ही दें बेबीज़ के लिए शक्कर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसमें बेबीज़ का जो मिल्क पाउडर आता है, फॉर्मूला पाउडर, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमने यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पाउडर डाल दिया है और ये अच्छी तरह से हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। तो हमें इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखना है जो मैंने आपको बीच बीच में बताई हैं। अगर आप 6 से 12 month की बेबी के लिए बना रहे हैं तो आपको शक्कर का यूज़ नहीं करना है, आप थोड़ा सा गुड़ का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप नट्स का यूज़ कर सकते हैं, छुआरे का, जिससे आप थोड़ी सी इसमें मिठास आ जाएगी। तो आपको शक्कर का यूज़ नहीं करना है। और इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो खीर है गाढ़ी होने लगी है और हमारी जो खीर रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप इसको अपनी बेबी को खिला सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। और अब हम इसे कटोरी में निकाल देंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ये जो है मखाने की खीर है वो आप गर्मियों में बहुत ही देख के खाएं। और अगर आपको लगता है कि आप इसको खिलाने से आपके बेबी को एलर्जी वगैरह कुछ भी हो रही है तो आप इसे तुरंत बंद कर दीजिए। तो ये हम इसे बेबी को आराम से खिला सकते हैं। गर्मियों में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसे हमें ज़्यादा नहीं खिलाना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही खिलाना है। आप चाहें तो एक सोचे या हर डेली आप ये खिलाते रहें, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप इसे सप्ताह में एक बार इस तरह से दे सकते हैं। तो
फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब।